चलिए, वेरी गुड इवनिंग। नेक्स्ट है आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 11th का बी पार्ट। हमको कैलकुलेट करना है बी एन। बी एन का फॉर्मूला होता है 1 बाय पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर 2 पाई एफ ऑफ एक्स इंटू साइन एन एक्स डी एक्स। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है रूट 2 इंटू साइन एक्स बाई 2। बी एन इज इक्वल टू 1 बाय पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर 2 पाई रूट 2 इंटू साइन एक्स बाय 2 इंटू साइन एन एक्स डी एक्स। क्लियर? ये रूट 2 जो मैं बाहर मल्टीप्लाई में ले रहा हूँ, यहाँ पर आ जाएगा आपका रूट 2 बाय पाई। क्लियर? चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। इस फंक्शन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया इस फंक्शन को। क्लियर? अब हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं 2 साइन ए साइन बी। 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है आपका कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल्स टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। क्लियर? तो यहां पर आप डायरेक्टली बी एन कैलकुलेट कर सकते हैं। बी एन का फॉर्मूला हो जाएगा, ये 2 को लिख सकते हैं आप रूट 2 इंटू रूट 2। ये हो जाएगा रूट 2 इंटू रूट 2, एक रूट 2 से रूट 2 कैंसिल। बी एन बचा 1 बाय रूट 2 पाए इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर 2 पाए कॉस ऑफ ए माइनस बी एक्स बाय 2 माइनस एन एक्स। एक्स कॉमन ले लेता हूँ, 1 बाय 2 माइनस एन माइनस कॉस एक्स कॉमन ले रहा हूँ 1 बाय 2 प्लस एन डी एक्स। क्लियर? चलिए इसको और आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे जब आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इज साइन एक्स। बी एन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 2 पाए इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इज साइन एक्स इंटू 1 बाय 2 माइनस एन अपॉन 1 बाय 2 माइनस एन माइनस अगेन इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इज साइन एक्स साइन एक्स इंटू 1 बाय 2 प्लस एन अपॉन 1 बाय 2 प्लस एन 0 से लेके 2 पाई तक। क्लियर? अब आप यहाँ पे ध्यान से देखें, अगर आप x की जगह पर अपर लिमिट पुट करते हैं तो आएगा ये साइन ऑफ 2 पाई इंटू 1 बाय 2 माइनस एन। ये फंक्शन जब 2 पाई अंदर मल्टीप्लाई होगा बचेगा साइन ऑफ पाए माइनस 2 एन पाए। साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा साइन 2 एन पाए और साइन 2 एन पाए की वैल्यू होती है 0। क्लियर? तो अपर लिमिट रखने पर ये फंक्शन 0 हो जाएगा, अपर लिमिट रखने पर सिमिलरली ये फंक्शन भी 0 हो जाएगा क्योंकि 1 बाय 2 प्लस एन हो जाएगा प्लस एन 180 प्लस थीटा इज अगेन साइन थीटा अगेन 0। और जब लोअर लिमिट रखेंगे तो साइन 0 इज ऑलवेज 0। तो ओवरऑल बी एन की वैल्यू मिलेगी कंप्लीटली आपको 0। थैंक यू।